हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ से होता है मेरा ब्लॉग स्टार्ट, और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, और इनके लिए भी लंच बना रही हूँ। तो सोचा आज बना लूँ लंच में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि ट्यूसडे का इनका व्रत था। और आजकल टमाटर ऐसे आ रहे हैं, सस्ते तो आ रहे हैं लेकिन टमाटर ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल लाल लाल, और घुल जाते हैं वो। तो यहाँ पर बस मैंने डाले हैं अभी टमाटर, और सारे मसाले डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मसाले डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी आलू गोभी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, लहसुन प्याज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आज बच्चे बड़े ही प्रेम से, मतलब कि बड़े ही खुश होकर जग गए थे, क्योंकि उनकी 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी ना पेपर से पहले, तो इस वजह से बड़े आराम से उठ के तैयार हो गए हैं बच्चे। और तो ये यही बताने के लिए आए थे, और मैं हंस रही थी। और बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है आलू गोभी की, और फटाफट से मैं बना दूंगी बच्चों के लिए गोभी के पराठे। और बस इसमें हल्का सा नमक और मिर्च डालूंगी। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते नमक मिला के, क्योंकि फिर पानी सा छोड़ देती है ना, तो इस वजह से। और मैं सिंगल पराठे बनाती हूँ, डबल पराठे नहीं बनाती, क्योंकि फिर कच्चे कच्चे से लगते हैं, ऊपर ऊपर की पापड़ी अलग हट जाती है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे ना, पहले मतलब गोभी भर के और उसे हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो अच्छे से पराठे फटते भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। जैसे सबके निकल जाते हैं ना बीच बीच में से, वैसे नहीं निकलते। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोभी का पराठा बन चुका है बिना फटे। और बस यहाँ पर बच्चों को दे दूँगी लंच, और साथ के साथ इनका भी लंच बना दूँगी। तो ये लोग चले जाएंगे स्कूल, बाकी मुझे करना है कुछ काम। और आज तो मुझे लगता है कि पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आज ये ले जाने वाले हैं स्कूटी से जाएंगे, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा स्कूल पैदल। तो बस यहाँ पर पराठा बन के मैं नहा कर हो रही हूँ रेडी, क्योंकि टाइम हो गया है 12:15, और 12 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो आज गुड्डू गोदी में, तो बस यहाँ पर हमें मंदिर खुला हुआ मिल गया, और हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ चुके हैं। और हमें मिला है प्रसाद में 2 फूल गुलाब के। मंदिर चले गए थे, सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब 5-10 मिनट लेट हो गए थे। और यहाँ पर छुट्टी हो चुकी थी बच्चों की, तो देखते हैं बच्चे हो छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर निक्कू निक्की हो रहे थे गुस्सा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं थी चाबी, तो बस ये इसीलिए गुस्सा हो रहे थे कि आज मम्मी स्कूटी लेके नहीं आई और हमें जाना पड़ेगा पैदल। स्कूल से आ गए हैं, और मंदिर से हमें मिले हैं 2 रोज़। खाटू श्याम जी मंदिर गए थे ना, तो वहाँ से प्रसाद में मिले हैं हमें गुलाब के फूल। तो वहाँ से अगर होते हैं तो वो ज़रूर दे देते हैं, नहीं होते तो नहीं देते। बाकी प्रसाद और गुलाब तो आपको ज़रूर मिलेगा। और बच्चों ने कमरा कैसा है आप देख सकते हैं, सारा कमरा फैला रखा है बिल्कुल, सब बैग ड्रेस सब फेंक दी। और आज इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बस इनके ड्रेस वगैरह उठा के रखूँगी। अब तो होली तक की छुट्टी है, तो होली के बाद ही स्कूल खुलेंगे जब रिज़ल्ट वगैरह मिल जाएगा। तो अभी करेंगे ये इंजॉय, अब फ्री घूमने दो इन्हें, खेलने दो खूब मस्ती से, और मैं करूँगी अब अपना काम। अब देखिए क्या काम करती हूँ मैं, अब बस पहले तो इन्हें कमरों को संभवाऊँगी, क्योंकि इन्होंने ड्रेस उतार के ऐसे ही फेंक दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल से आने के बाद बैग कहीं, ड्रेस कहीं, और सारे खिलौने गुड्डू ने फैला रखे थे। और गुड्डू का काम क्या है, सबसे पहले दोनों का लंच देखता है, लंच में से थोड़ा सा खाना ही बचा के आते हैं और वही नोनू खाता है। तो बस यहाँ पर वो अपना वही काम कर रहा है, और मैं मतलब कपड़े दूध सुखाने के लिए रह गए थे, तो मैं अब आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए ऊपर। यहाँ पर मैं बना दूँगी बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि उनका मन कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का। एक भी पॉपकॉर्न नहीं जला, और बहुत ही अच्छे से सारे पॉपकॉर्न भुन गए हैं। और तो अंग भड़का
किसका? दाल का। तो रात के खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि दाल में तड़का लग रहा है, अंग अंग भड़का, तो इस वजह से दाल बन रही है। यहाँ पर बन रहे हैं दाल चावल और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सिलाई, क्योंकि ब्लाउज़ में छोटी सी लेस लगनी रह रही थी तो बस उसी को मैं थोड़ा सा लेके बैठ गई थी। थोड़ा छोटा छोटा काम होता है ना, वो छूट जाता है, तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना ब्लाउज़ की सिलाई पूरी। और यहाँ पर ये रात का टाइम मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी होता है ना, तो मटर कोई भी सब्जी होती है तो मैं रात को ही तैयारी करके रख देती हूँ। इधर ये भी आ गए थे ऑफिस से और मैं देखिए आप मटर छील के रखी ना, तो बस मुट्ठी भर के खा ली, तो गोभी और मटर तो हमारी छिली हुई रह ही नहीं सकती। तो बस यहाँ पर सब लोग आ गए हैं और सब खाना वाना खा के वो जाएंगे फ्री। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, छोटा सा ब्लॉग है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स करके